गिरिडीह का गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। यहां निवर्तमान प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद के शह पर आयुष्मान के नाम पर इलाज में करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। वहीं सरकारी दवाओं के खेप में भी भारी गड़बड़ी पाई गई है। बता दें कि सोमवार की शाम को गिरिडीह उपायुक्त और गिरिडीह सिविल सर्जन के निर्देश पर पहुंची 5 सदस्यीय टीम ने पूरे अस्पताल को खंगाला और इस दौरान भारी अनियमितता भी पकड़ी गई। आयुष्मान योजना में इलाज के नाम पर फर्जी बिल के सहारे करोड़ों रुपए का घालमेल किया गया है। जिला कंसल्टेंट कुणाल, लेख पदाधिकारी गिरिडीह डॉक्टर रेखा झा सहित टीम में शामिल सदस्यों ने बताया कि हॉस्पिटल में भारी गड़बड़ी पाई गई है, जिससे उपायुक्त को अवगत कराया जाए। 25 तारीख को गांवा सीएससी गया हुआ था, सामान्य विजिट था, नॉर्मल वहाँ के कार्य से संबंधित या उसके रिव्यू के लिए कि कैसे कार्य संचालन वहाँ हो रहा है, मरीजों को कैसी सुविधा मिल रही है। तो इसी क्रम में जब हमने कुछ जांच किया तो हमको प्रथम दृष्टया लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी है जो सही से नहीं हो रहा है। तो उसको देखते हुए पहले हमने उन लोगों को हटाया ताकि और कुछ ज़्यादा गड़बड़ी ना हो या और इस गड़बड़ी को छुपा ना सके, उसके साक्ष्य को हटा नहीं सके। तो यहाँ से आके फिर हमने एक जांच टीम बनाया, जांच टीम के द्वारा कल जांच की गई है। अभी तक पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो जो भी जाँच टीम के द्वारा जांच में रिपोर्ट किया जाए उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी जो उचित नियमानुसार होगी। सर, आयुष्मान योजना में भी गड़बड़ी की बात आ रही है, ये तो जांच किया गया है। जो भी इसमें जिस योजना में भी गड़बड़ी होगी वो उसमें भी उस तरह की प्रतिक्रिया होगी, उस तरह का एक्शन लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संतोष, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आयुष्मान के नाम पर अस्पताल में करोड़ों का घोटाला हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जो आज से 4 दिन पूर्व गिरिडीह के सिविल सर्जन जो है जांच में गए थे, इस दौरान इनको कुछ शक हुआ, उसके बाद गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा एक टीम गठित करके जाँच की जा रही है। हालांकि कल से ये जांच चल रही है और आज भी जांच जारी है। जी, इस मामले में कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना जो है उसमें करोड़ों की घोटाला, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही, करोड़ों की घोटाला की खबर है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी।